गुलाबी कलर के फूल हैं, ये देखें। ये गुलाब जो है ये डेकोरेशन के लिए, इसकी खुशबू नहीं है, सिर्फ ये डेकोरेशन पीस के लिए होती है। देखें वो सामने पानी, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो वहाँ दरिया गुजर रहा है, दरिया सिंह, ये सारा पानी भी है और यहाँ काफ़ी अच्छी लोकेशन थी। मैंने कहा चलो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ज़िशान रफ़ीक। भाई ये देखिए ये सारा गुलाब के फूलों का बाग है, ये सारा वहाँ जा रहा है, वहाँ भी है सारे, लेकिन यहाँ जो है ना गुलाब के फूल की खुशबू चेक करके बताते हैं कि खुशबू काफ़ी ज़बरदस्त इसमें खुशबू है। और रात बारिश होने की वजह से ये देखिए बिल्कुल फ्रेश पड़ा हुआ है। ये देखें इसमें दो तीन तरह की गुलाब है, इधर सफ़ेद भी है और पीले कलर की भी है और सुर्ख ज़्यादा है। हाँ आगे भी चलते हैं आपको दिखाते हैं। तो जी जनाब गुलाब में भी मुख्तलिफ अकसाम के फूल हैं। ये देखें ये सफ़ेद हैं, नज़दीक करके दिखाएं, ये देखें ये सफ़ेद लगे हुए हैं और ये जो है ना ये वाली मल्टाई किस्म की है, ये देखें ये और किस्म के फूल हैं। ये इसलिए मुरझाए हुए हैं कि इनका भी सीज़न नहीं है, गर्मी की वजह से मुरझाए हुए हैं। वहाँ देखें ये और किस्म के, ये शोख लाल किस्म की गुलाब है, ये देखें। और ये गुलाब देखें, ये इससे मुख्तलिफ किस्म के गुलाब हैं, ये देखें इसका कलर और चेंज है, ये वो इससे मुख्तलिफ है सबसे। फिर वहाँ पीली है, ये देखें ये पीली गुलाब है सारी। तो गुलाब में भी माशाल्लाह बहुत अकसाम है और इनकी खुशबू में भी डिफरेंट है, सबकी खुशबू एक दूसरे से अलग है, इसकी खुशबू और है, उसकी खुशबू और है, सबकी खुशबू भी मुख्तलिफ है और कलर भी मुख्तलिफ है और रंग भी मुख्तलिफ है। वहाँ देखें वहाँ बिल्कुल सुर्ख गुलाब है। आए चलते हैं आपको दिखाते हैं। ये गुलाब जो है इसका कलर मुख्तलिफ है और इसकी खुशबू भी मुख्तलिफ है सबसे। ये देखें ये इसके ऊपर शबनम के आंसू पड़े हुए हैं, देखें ये देखें माशाल्लाह, ये देखें, ये देखें, आगे भी चलते हैं, आगे भी कुछ फूल हैं आपको दिखाते हैं। तो जी जनाब अभी आ गए हैं वो फूल जो फंक्शन में इस्तेमाल होते हैं, मेहंदी में और गजरे जो होते हैं हार में पहने जाते हैं उनमें, और इनका जो है खूबसूरती और डेकोरेशन के बनाए जाते हैं। और ये हैं येलो फूल, ये देखें, ये तकरीबन मेहंदी जो होती है शादियों में उसमें ये पड़े होते हैं मेहंदी के अंदर और गजरे के अंदर इनको डालते हैं।
अभी हमें तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि हमें हमारी अभी तक शादी नहीं हुई ना, जिनकी शादी हुई होगी व्यूअरों को उनको बखूबी मालूम हो गया। ये मेहंदी के अंदर डालते हैं फूलों को, यहाँ ये लगे हुए हैं सारे, तो देखें आप कौन कौन से हार बनाते हैं, गुलाब के, चमेली चमेली के, आप सारे मुझे तफसील से। जी हाँ, गुलाब के बनाते हैं, रबेल के भी बनाते हैं, ये चांदनी वगैरह है इसके भी बनाते हैं, फिर गजरे भी होते हैं। ये जो पीला फूल है ना, इसके जो गजरे बनते हैं ना, ये मायों में इस्तेमाल होते हैं, तो इनका ये सेट बनते हैं, मुकम्मल सेट होता है। ये मायों में इस्तेमाल होते हैं, मेहंदी में? जी हाँ, मेहंदी में इस्तेमाल होते हैं। और जो गजरे बनाते हैं वो किस फूल से बनाते हैं, उनकी बड़ी ज़बरदस्त खुशबू होती है? हाँ, वो भी होते हैं, वो रबेल है ना उधर जो छोटा फूल था जी वाइट, उसके भी बनते हैं, इस फूल के भी बनते हैं, मगर खुशबू उसकी ज़्यादा होती है, इसकी खुशबू नहीं होती, ये वैसे होते हैं डेकोरेशन। जी हाँ बिल्कुल। तो आपके घर में औरतें बनाती हैं, और दुकान की क्या टाइमिंग उधर, कहाँ किस वक्त से किस वक्त तक हार दस्तियाब होते हैं? उधर तकरीबन सुबह से लेकर रात 10 बजे तक, जब तक दुकान खुली होगी हार उधर ज़रूरत होता है। हाँ बिल्कुल पड़ा होता है। और आप गिफ्ट भी बनाते हैं, जो आदमी गिफ्ट करता है शादी में, फूल मूल? जी हाँ बिल्कुल बनाते हैं। जी हाँ बिल्कुल जी, हर चीज़ बनाते रहते हैं। जी हाँ, दुकान भी पुरानी है? जी हाँ, दुकान भी काफ़ी पुरानी है। जी हाँ, अगर कोई आए तो डिस्काउंट भी होता है? जी हाँ डिस्काउंट होता है, क्यों नहीं होता, बिल्कुल होता है डिस्काउंट सर। जी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बहुत मेहरबानी, हमें भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। ऊपर दरिया था तो मैंने कहा आपको थोड़ा सा इनका भी विज़िट करा देते। और ज़मीन है ये देखें, वो सामने पानी अगर आपको नज़र आ रहा हो तो वहाँ दरिया गुजर रहा है, दरिया सिंह, ये सारा पानी भी है। और यहाँ काफ़ी अच्छी लोकेशन थी, मैंने कहा चलो ये भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। और सामने देखें वो वहाँ पर पानी है, ये सारा पानी है, दरिया जा रहा है वहाँ से। तो ये वहाँ से पीटर वगैरह ट्यूबवेल लगा के अपनी ज़मीनों को पानी लगाते हैं और खेती बाड़ी। ये पीछे सारे इनके बागात हैं, वहाँ से शुरू हो रहे हैं और आखिर एंड तक जा रहे हैं, काफ़ी आगे तक, ये वो आखिर तक जा रहे हैं, सारे इनके बागात हैं। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ताला आपको खुश रखें।